हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ फ्लिप इफेक्ट लिरिक्स स्टेटस कैसे बनाते हैं, किस ऐप से बनाते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा। स्टेटस एडिटिंग के लिए अलाइट मोशन ऐप का यूज करने वाले, अलाइट मोशन ऐप को ओपन करते हैं। जैसे आप अलाइट मोशन ऐप को ओपन करोगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, वो प्लस आइकन पर टिक करना है। आप यहाँ से वीडियो साइज सेलेक्ट कर सकते हो। फुल स्क्रीन के लिए आपको इस पर टैप करना है, आपको क्रिएटर प्रोजेक्ट पर टैप करना है, आपको प्लस पर टैप करना है, मीडिया में जाना है। आपको यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जिस पर आप वीडियो बनाना चाहते हो। आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इसको आपको फिल कर देना है। वीडियो ड्यूरेशन टाइम को आप जितना रखना चाहते हो आप यहाँ पे से रख सकते हो। वीडियो में सॉन्ग सेलेक्ट करने के लिए आपको प्लस पर टैप करना है, ऑडियो में जाना है। आपको यहाँ से एक सॉन्ग सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आप वीडियो बनाना चाहते हो। फोटो में इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है, आपको इस पर टैप करना है, स्टैंडर्ड पर टैप करना है, एंजल को 45 रहने देना है, आपको इस पर टैप करना है, आपको इसको 0.50 कर देना है, आपको इस पर टैप करना है, इसको आपको 35 कर देना है। आप देख सकते हो फोटो में इफेक्ट ऐड हो गया है। आपको फोटो पर क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है, आपको थर्ड ऑप्शन पर जाना है। आपको फोटो को यहाँ से जूम कर सकते हो। सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए आपको प्लस पर टैप करना है, टेक्स्ट में जाना है। आप यहाँ पर सॉन्ग टाइप कर सकते हो। आपको कलर वाले ऑप्शन पर टैप करना है, आपको इसको वाइट कर देना है। आपको 80 PT पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर फॉन्ट को यहाँ से जूम कर सकते हो। आपको फॉन्ट पर क्लिक करना है, आपको यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर आपको इसको टिक कर देना है। आपको लिरिक्स को सॉन्ग के बराबर कर देना है, जितना आपका सॉन्ग है आप वहाँ तक से रख सकते हैं। आपको लिरिक्स पर टैप करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है, आपको इसको अच्छे से सेट कर देना है। आपको यहाँ पे इसको रखना है, आपको थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप यहाँ से फॉन्ट को जूम कर सकते हैं। लिरिक्स में इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको इस पर टैप करना है, आपको इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। आपको 3D पर क्लिक करना है, आपको फ्लिप लेयर पर क्लिक करना है, आपको स्टैंडर्ड पर क्लिक करना है, आपको इसको सेंटर में कर देना है, आपको प्लस देना है, आपको स्टार्टिंग में प्लस देना है, आपको एंड में एक प्लस देना है, आपको स्टार्टिंग में -90 degree कर देना है, ऐसे ही आपको एंड में 90 कर देना है। आपको सेंटर में आना है, कर्व पर टिक करना है, आपको इसको ऐसे कर देना है, ऐसे ही आपको इधर सेंटर में आना है, आपको इसको ऐसे कर देना है। आप देख सकते हो इफेक्ट ऐड कर दिया है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट इफेक्ट ऐड करना है, आपको लिरिक्स पर टैप करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। आपको यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है, आपको इस पर टैप करना है, आपको स्टैंडर्ड पर टैप करना है, आपको इसको ओपन करना है, आपको इसको 90 कर देना है, आपको इस पर टैप करना है, आपको इसको सेंटर में आना है, आपको सेंटर में एक प्लस देना है, आपको स्टार्टिंग में एक प्लस देना है, ऐसे ही आपको एंड में एक प्लस देना है। आपको सेंटर में इसको 0.20 कर देना है, आपको स्टार्टिंग में 0.50 कर देना है, ऐसे ही आपको एंड में 0.50 कर देना है, आपको इसको 120 कर देना है, ग्लो इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको लिरिक्स पर टैप करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है, आपको ड्राइंग पर क्लिक करना है, आपको इस पर टैप करना है, आपको स्टैंडर्ड पर टैप करना है, आपको इसको ओपन करना है, आपको रेडियस को 38 कर देना है, आपको अल्फाबेट टैप करना है, आपको इसको 100 कर देना है, आपको हार्डनेस पर क्लिक करना है, आपको इसको 47 कर देना है, आपको कलर में जाना है, आपको इस पर टैप करना है, आपको इस पर टैप करना है, आपको इसको फुल कर देना है, आपको स्क्रीन पर टैप करना है, आपको इसको नॉर्मल कर देना है। इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको इस पर टैप करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है, आपको कलर एंड लाइट पर क्लिक करना है, आपको रेस पर टिक कर देना है, स्टैंडर्ड पर टिक कर देना है, इसको ओपन करना है, आपको स्टार्टिंग में प्लस देना है, आपको इसको -170 कर देना है, ऐसे ही आपको एंड में प्लस करना है, आपको एंड में 200 कर देना है, आपको लेंथ पर क्लिक करना है, आपको इसको 4 कर देना है, आपको इस पर टैप करना है, आपको इसको 3.43 कर देना है, आपको इस पर टैप करना है, आपको इसको 0.5 कर देना है, आप देख सकते हो ऑल इफेक्ट ऐड कर दिए।
सॉन्ग की नेक्स्ट लिरिक्स लिखने के लिए आपको इस पर टैप करना है, आपको इस पर टैप करना है, आपको इस पर टैप करना है, आपको इसको स्लाइड करके ऐसे करके आपको ले आना है, आपको इस पर टैप करना है, आपको एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर सॉन्ग की नेक्स्ट लिरिक्स लिख सकते हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हो ऑल लिरिक्स मैंने कंप्लीट कर लिए। ऐसे ही आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले को एडिट करना है, उसके बाद आपको कॉपी करके नेक्स्ट लिरिक्स लिख सकते हो। वीडियो को सेव करने के लिए आपको एरो पर टिक करना है, आपको एक्सपोर्ट कर देना है। इस वीडियो से आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।